नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। मेरा नाम सजाद खान। आप कहाँ रहते हो? रेल पार, वार्ड नंबर 25, गुलजार मोहल्ला। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमजानुल करीम के मुबारक महीने पे दाखिल हो चुके हैं और आज 8वां रोजा है। इस मौके पे लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे? इस मौके पे हर आदमी का घर में चाहेंगे कि बरकत हो, रमज़ान का महीना है, और सबको मेरे तरफ़ से सलाम, मुबारकबाद, रमज़ान मुबारकबाद सबको मेरे तरफ़ से। और यही चाहेंगे कि हर घर में, अभी जो लॉकडाउन का महीना चल रहा है, कब ना जाने कब तक लॉकडाउन चलेगा, हम यही चाहते हैं कि किसी तरह से हर आदमी, हर घर वाला पे ध्यान दे, हर पड़ोसी पे ध्यान दे, और रमज़ान सबका है, अच्छा से गुजर जाए। अच्छा, सबका है। हम लोग देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है, इसमें यकीनी तौर पर बहुत लोगों का दिक्कत का सामना करना पड़ा। आपके इलाके में बहुत सारे योमिया मजदूर डेली खाने कमाने वाले, इन लोगों का गुजर बजर कैसे हो रहा है? इन लोगों का तो अभी लॉकडाउन है, काम धंधा सब बंद है। अच्छा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह सबको, जैसे बोलते हैं ना, ऊपर वाला सबको भूखा जगाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है, लेकिन कहीं से ना कहीं से मदद हो ही रही है। पहले भी लॉकडाउन का टाइम में हो ही रहा था, हमारे MLA साहब फंड से भी आए थे, और हमको जैसे जैसे आया उसी से हर मोहल्ला का घर घर में बांटे। और अभी फ़िलहाल अफ्तार के लिए अभी इंतजाम हो रहा है, हमारे MLA साहब का भी तरफ से आने वाले हैं, अभी बात किए हैं, 2-3 दिन में लिस्ट बना करके सबका घर घर ही पहुँचाएंगे, बाकी तो सबका काम धाम बंद है। अच्छा, इस वार्ड का बात करें, आपके वार्ड में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, क्या लगता है कि होना चाहिए जब तक नहीं हो पाया? एजुकेशन है पहला, और दूसरा है जो लड़की लोग, अभी जो कोचिंग सेंटर नहीं है, कम से कम ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए उन लोग का भी, कि उन लोग भी अभी जहाँ कुछ आगे बढ़े, कुछ सीखें। जो अभी घर घर में जा कर के कुछ कहीं पे टेलर का काम सीख रही है। आपका बगली में देखते हम लोग हेल्थ सेंटर है, क्या उसका हालात है? उससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है ना उसमें, और कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? हेल्थ सेंटर के बारे में जो बोल रहे हैं, काम तो हो ही रहा है, मेयर साहब भी आए थे, मलाइदा भी, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, काम हुआ है, लेकिन और थोड़ा अच्छा होना चाहिए। कि अभी रेल पार में क्या है कि गंजान आबादी है, हॉस्पिटल थोड़ा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा बेड उड बढ़ाना चाहिए कि ताकि इतना गंजान आबादी में सबको फैसिलिटी मिल सके और सबको आराम हो, सहूलत हो। आबादी ज़्यादा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और बेड बढ़ेगा तो सब लोगों को, हाँ, थोड़ा फैसिलिटीज मिलेगी, थोड़ा बेड बढ़ना चाहिए कि थोड़ा फैसिलिटी मिले कि इतना सारा आदमी को आराम भी हो। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि आपकी तरफ हम लोग आए इस वार्ड में, थोड़ा सा हम लोग गंदगी दिखाई दिया, तो मैंने क्या आपके लिए, हम साफ सफाई का माहौल कैसा है, कैसा साफ सफाई हो रहा है इलाके में? साफ सफाई 25 नंबर वार्ड में तो अभी फिलहाल बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन अभी जो लॉकडाउन का वजह से हो सकता हो, इसका कारण भी हो सकता है कि साफ़ सफाई का थोड़ा सा कमी पड़ गया। हाँ, नहीं तो ऐसे सैनिटाइजर अभी कर रहा है, पूरा एरिया में घूम रहा है, अभी मेरा 2-3 दिन पहले भी ऑफिस के पास से पूरा एरिया में सैनिटाइजर किया है, आकर के पूरा करके ही गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए साफ़ सफाई इसलिए नहीं हो पा रहा शायद, लेकिन साफ़ सफाई हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है, बरसात उरसात हो जा रहा थोड़ा, लेकिन कम हो रहा है, लॉकडाउन का वजह से हो सकता नहीं हो रहा। अच्छा, लॉकडाउन हम लोग देखे तो सरकार हम लोग को फायदे के लिए गई, लॉकडाउन बहुत जरूरी था, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना वायरस और बहुत ज़्यादा फैलता, लेकिन इस लॉकडाउन में भी जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, जो लोग घर से बगैर जरूरत बाहर निकल जा रहे हैं, उसके लिए उन लोगों के लिए क्या कहोगे? देखिए, लॉकडाउन में तो सबको घर में रहना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, क्या है कि सरकार जो भी सोचा वो अच्छे के लिए सोचा है, कि अगर कोई बाहर से बीमारी ले करके आया, अब तुम उससे मिलो, अब वो बीमारी को तुम अब तुम खुद ले लियो, फिर उसके बाद ले जाने के बाद तुम खुद अपना फैमिली को ना दे दो, इसलिए वो लॉकडाउन कर रहे हैं कि तुम किसी से ना मिलो, जितना अच्छा घर में रहो उतना बढ़िया। लेकिन कुछ कुछ आदमी पालन नहीं कर रहे, गलत बात है, करना चाहिए। जैसे हम देखे, हम एक ही बार, हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग इतना घूमने वाले हैं, हम खुद बराबर कभी दिल्ली कलकत्ता कभी दुर्गापुर घूमते रहते हैं, लेकिन हम खुद घर में अभी घर में कैद हो गए, यहाँ से कहीं नहीं जाते, घर ही में रहते हैं, कभी कभार बाजार स्टेशन चाहे झांगरी मल्ला चल जाते, ओके रोड चल जाते, जो जरूरत का सामान हुआ लिए फिर से घर, बाकी हमारा कहीं आना जाना ना। और मेरा सबसे यही गुजारिश है कि लॉकडाउन का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, कि बीमारी अपना फैमिली में ना लेके जाएं, कि आज बीमारी बाहर में है वो अपना फैमिली में ले जाइएगा तो फिर आपका आप ही को परेशानी है, बस और क्या। अच्छा,
अच्छा, अभी मार्केट में सोशल मीडिया में इशू ये है कि लॉकडाउन चल रहा है और लगभग ये रमजान तक ही चलेगा। कुछ लोग को ये कहना कि आप नए कपड़े ना पहने या नए कपड़े जाके मार्केट में भीड़ ना लगाए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? लॉकडाउन अगर बाजार खुलेगा तो थोड़ा सा आदमी डिसिप्लिन से चले, कम से कम भीड़ में चले। कहेगा ऐसा ना कि मार्केट में अगर बाजार खुल रहा है कि बाजार अब दो दिन के लिए खुला बंद हो जाए, जब खुलेगा तो पूरा रमजान ही खुलेगा, तो डिसिप्लिन से जाएं, आराम आराम से जाएं। जिसका जो हैसबो औकात है उस हिसाब से ले, ज़्यादा ना ले, हो सके लॉकडाउन बढ़ जाए तो फिर आपको घर में खर्चा पानी के लिए मेंटेनेंस में परेशानी हो जाए, इसलिए थोड़ा कम ही ले तो अच्छा है। हम लोगों ने जो देखा इन दोनों कोरोना को लेकर पूरा दुनिया थम सी गई है और लोग बहुत डरे हुए हैं, तो इस मौके पे जो बंगाल की जो सीएम है उनका क्या रोल था, कैसा काम किया वो बंगाल में? हम लोग का जो सीएम है ममता बनर्जी, वो तो खुद ज़मीन से जुड़ी हुई है और काम तो खैर उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। मुफ्त में गरीब को राशन पहुँच रहा है, ज़रूरत का सामान पहुँचा रही है और हम लोग को गर्व है, और समझिए कि हम लोग को गर्व है, फख्र है कि ममता बनर्जी हम लोग का सीएम है। इससे ज़्यादा आप खुद सर्वे करके देख सकते हैं कि ममता बनर्जी क्या कर रही है। हम लोग का यहाँ पे वार्ड में भी अच्छा, सबको हमारे एमएलए के हाथ से जो फंड से आ रहा है, सबका घर घर में ही अनाज पहुँच रहा है मुफ्त में, फ्री में, और क्या। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा जहाँ पे बहुत सारे नेता हम लोगों को बहुत एक्टिव दिखाई दिए, वहीं पे हम लोगों ने एमपी को कहीं नहीं देख पा रहे, इस बारे में तुम क्या कहोगे? लोगों ने तो एमपी को तो एमपी का सीट दिया बहुत सम्मान के साथ, 2 लाख वोट से जीता है, लेकिन एमपी साहब तो हमारे बहुत उम्मीद था कि कुछ लॉकडाउन में कुछ करेगा, लेकिन वो तो मिसिंग है और वो सोच रहे हैं कि कुछ दे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर है जितेंद्र कुमार तिवारी, उनका कैसा रोल था? वो लॉकडाउन का वक्त में हर फील्ड में उतर करके बहुत अच्छा काम किए हैं, जहाँ भी देख रहे मेयर साहब का अच्छा मतलब एक्टिविटी, दौड़ धूप कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम हो गया, क्या कोई कोरोना पेशेंट का कोई अफवाह हो जा रहा तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, कहीं पे सैनिटाइज हो रहा तो खुद से जा करके अपने से करवा रहे हैं खड़ा होकर के पूरा मार्केट में बाजार में, और वो हर जगह ही एक्टिव में नजर आए कि मतलब कि कोरोना के टाइम में मुसीबत में एकदम सबके साथ जुड़ के खड़े हुए। रमजान मुबारक का 8वां रोजा है और कुछ ही दिन के बाद हम ईद उल फितर आने वाली है, जो हम लोग के लिए एक मुकद्दस त्यौहार है, हम लोग उसको बहुत मानते हैं, इस मौके पर तुम क्या कहोगे? देखिए इस बार रमजान ऐसा वक्त पे आया है कि बहुत दुख की बात है, ना हम लोग मस्जिद जा सक रहे हैं, ना इबादत सही से कोई कर पा रहा है। अब रहा सवाल कि ईद आने वाला है, हम यही चाहेंगे कि ईद में भी सब एहतियात बरसे बरके और आदमी जितना कम से कम भीड़ लगाएं शॉपिंग में। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, आप लोग अच्छे से इस साल डिसिप्लिन से शॉपिंग करें और ईद अच्छा से मनाएं, मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक।